है हमारे पास 2π√3। अच्छा ध्यान रहे कि जो अपन ने टेन लिया था वो सेंटीमीटर में रखा था, तो ये जो स्पीड आएगी अभी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि प्लस वाई एक्सिस में होगा, तो इसको अपन जे कैप लिख सकते हैं, इट इज इन जे कैप, ठीक है। अब यदि अपन को इसको मीटर पर सेकंड में करना है कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2π√3/100 आएगा, तो 2 से 100 कटेगा तो 50 हो जाएगा, तो इट विल बी √3π/50 एंड इट्स डायरेक्शन विल बी जे कैप, ठीक है। यदि यहाँ पर नेगेटिव आता तो माइनस जे कैप डायरेक्शन अपने आप हो जाती है, हम सीधा सीधा जे लगाते हैं क्योंकि हमको पता है कि पार्टिकल वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, क्लियर। सो दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेव। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देख रखा है वो इक्वेशन देख रखी है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, y इज इक्वल टू y नॉट साइन 2π इनटू ft माइनस पाई x बाय लैम्डा, ठीक है। ये इक्वेशन देख रखी है और बोल के रखा है कि मैक्सिमम पार्टिकल्स वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड इज 4 times स्पीड ऑफ वेव, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, 4 ऑप्शन देख रखे, लैम्डा इज इक्वल टू पाई वाई नॉट बाय 4, सेकेंड लैम्डा इज इक्वल टू पाई वाई नॉट बाय 2, थर्ड lambda is equal to pi y naught, and fourth lambda is equal to 2 pi y naught, ठीक है। ये हमें पता क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, कैसे करेंगे स्टार्ट, इस इंफॉर्मेशन से अपन इसका आंसर निकालेंगे। इफ द पार्टिकल्स मैक्सिमम स्पीड इज 4 times द स्पीड ऑफ द वेव, देन मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जो कि मैक्सिमम होगी, मतलब मैक्सिमम यदि उसकी कोई वेलोसिटी है तो जो वेव स्पीड है वो 4 times कम है, या फिर हम ये बोले कि वेव स्पीड के 4 times ज़्यादा है पार्टिकल के मैक्सिमम स्पीड, है ना। तो पहले अपन क्या करें, पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं, और पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालते हैं अपन, या पार्टिकल की स्पीड कैसे निकालते हैं अपन, इस वाई को डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। तो वाई हमारे पास गिवन है वाई नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, साइन 2π ft - x/λ, ये हमारे पास गिवन है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट हमको टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियली करना होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज बेसिकली ∂y/∂t, दैट विल बी इक्वल टू y नॉट इज अ कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, इट विल बी cos 2π ft - 2π x/λ, है ना। और अब इसके अंदर का आर्गुमेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली t का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इट विल बी 2πf, सो इट इज 2π ft, ये बना, है ना। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्लियर। अब लेकिन हमको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नहीं देखना, हमको पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी देखना है या स्पीड देखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, और ये वाली मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 कर दो तो ये बची है मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है। तो पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, इज इक्वल टू 2π y0 f, दिस इज द पार्टिकल्स मैक्सिमम स्पीड, क्लियर। और हमें क्या बोल के रखा है कि इट इज 4 times स्पीड ऑफ वेव, है ना। और वेव हम लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या जानते हैं, स्पीड ऑफ वेव होती है 4 times लैम्डा इनटू f, राइट। इसको इसके इक्वल करेंगे तो यहाँ से f से f उठ जाएगा और लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, 2π y0 इज इक्वल टू 4λ,
लैम्डा की वैल्यू होगी पाई बाई नॉट बाय टू,